हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे जीएलसी क्रोमेटोग्राफी टेक्निक की। ये जो टेक्निक है, इसका श्रेय जाता है नोबेल प्राइज़ विनर जॉन पॉटर मार्टिन को, जिन्होंने सबसे पहले इस जीएलसी टेक्निक के बारे में बताया। तो ये इन्होंने सबसे पहले ये बताया था कि जो गैशियस मोबाइल जो फेस होता है, तो मार्टिन और सिंच ने 1941 में इसके बारे में बता दिया था कि सेपरेशन जब हम करते हैं कंपोनेंट्स का, अगर वो गैशियस स्टेट में है तो वो अचीव हो सकता है। और ये जो इंस्ट्रूमेंटेशन है, इसका जो एप्लीकेशन है, ये जेम्स और मार्टिन ने 1952 में बताया था। तो ये सेपरेशन के ऊपर है कि वॉलेटाइल जो सब्सटेंसेस हैं, या फिर ऐसे सब्सटेंसेस जिनको हम वॉलेटाइल करते हैं, जिनका हम सेपरेशन करते हैं हाई टेम्परेचर पर, वो जीएलसी टेक्निक कहलाता है। तो ये जो जीएलसी टेक्निक है, इसमें जो मोबाइल फेस है वो एक अनरिएक्टिव गैस है, जैसे कि नाइट्रोजन है, और जो स्टेशनरी जो फेस है उसमें स्मॉल अमाउंट ऑफ नॉन वॉलेटाइल लिक्विड है, जिसको कि हम फाइनल डिवाइडेड इनर्ट सॉलिड में रखते हैं, जैसा कि इस डायग्राम से हम स्पष्ट देख सकते हैं। द प्रिंसिपल बिहाइंड द जीएलसी इज, इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पार्टीशन, कि जो कंपोनेंट्स होते हैं वो वेपराइज हो जाते हैं सैंपल्स के जैसे ही उनका फ्रैक्शनेशन होगा, क्योंकि पार्टीशन होगा गैशियस मोबाइल फेस और लिक्विड स्टेशनरी फेस में, जो कि कॉलम में प्रेजेंट हैं। तो ये जो जीएलसी जो टेक्निक है, इसके तीन अलग अलग स्टेप्स होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहले में हम देखते हैं कि जो सैंपल है उसको हम इंजेक्ट करते हैं क्रोमेटोग्राफिक कॉलम में, दूसरे में हम सैंपल को मूव करते हैं थ्रू द कॉलम, थ्रू द फ्लो ऑफ इनर्ट गैस, तीसरे में हम देखते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं वो रिकॉर्डेड हो जाते हैं एज सीक्वेंस ऑफ पीक्स, जैसे ही वो कॉलम में लीक कर जाते हैं। तो जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका अगर हम स्कीमेटिक डायग्राम देखें, तो इस तरह से हमें दिखाई देगा कि जो हमारा कॉलम है वो अंदर की ओर प्रेजेंट है, और वो कॉलम ओवन में प्रेजेंट होता है। एक तरफ हमारा रोटोमीटर, फ्लो कंट्रोलर, टू प्रेशर रेगुलेटर लगा हुआ होता है, और एक तरफ हमारा सिरिंज लगा हुआ होता है, इंजेक्टर डिटेक्टर लगा हुआ होता है, सॉफ्ट बबल मीटर होता है जो कि अटैच्ड होता है इलेक्ट्रोमीटर से, और ADC डेटा सिस्टम और रिकॉर्डर से। इसी चीज़ को अगर हम लैब में देखें तो इस तरह से हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन GLC का प्रेजेंट होगा। जो मोबाइल फेस होगा, जिसमें कि कैरियर गैस होगा, उसमें एक इनर्ट गैस होना चाहिए, चाहे वो हीलियम हो या नाइट्रोजन हो। इसका फंक्शन क्या होगा? टू ट्रांसपोर्ट सैंपल वेपर्स थ्रू कॉलम। तो नो केमिकल इंटरेक्शन इज अकरिंग विद द सैंपल। तो टिपिकल पैरामीटर्स क्या होंगे कि कॉलम इनर्ट, प्रेशर होना चाहिए, फ्लो रेट मेंटेन होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए कैरियर गैस फ्लो रेट का, क्योंकि वो क्रिटिकल है आपके सेपरेशन में। सैंपल का जो इंजेक्शन होगा, तो सैंपल का जो इंजेक्शन हम करेंगे थ्रू अ सिरिंज इनटू अ फ्लोइंग स्ट्रीम ऑफ हॉट मोबाइल फेस, हाई टेम्परेचर पे होगा, जैसे कि नैरो प्लग ऑफ सैंपल हम वेपर में कॉलम में डालेंगे। अलग अलग प्रकार के डिज़ाइंस के सैंपल इंजेक्शन हम अडॉप्ट करते हैं। ये जो कॉलम्स होते हैं वो एक जीएलसी का एक तरह से एक हार्ट की तरह काम करता है, जो कि डिसाइड करेगा कि सेपरेशन एफिशिएंसी कैसी होनी चाहिए। ज़्यादातर हमारे जो कॉलम्स हैं वो ग्लास या कॉपर के बने हुए होते हैं। एनालिटिकल कॉलम हो सकते हैं या प्रिपरेटिव कॉलम हो सकते हैं। एनालिटिकल कॉलम्स लगभग लंबाई में 2 मीटर तक होते हैं, प्रिपरेटिव कॉलम लगभग लंबाई में 6 मीटर तक होते हैं। दो तरह के कॉलम्स हो सकते हैं बेस्ड ऑन नेचर, पैक्ड कॉलम हो सकते हैं या कैपिलरी कॉलम हो सकते हैं। कैपिलरी जो कॉलम है उसमें वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम WCOT कॉलम हो सकता है, या PLOT कॉलम हो सकता है, पोरस लेयर ओपन ट्यूबुलर कॉलम, या सपोर्ट कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम SCOT कॉलम प्रेजेंट हो सकता है, या वॉल कोटेड ओपन ट्यूबुलर कॉलम में इंटरनल जो वॉल होती है उसकी कोटिंग होती है फाइन फिल्म ऑफ लिक्विड स्टेशनरी फेस से। सरफेस कोटेड ओपन ट्यूबुलर जो कॉलम है उसमें कैपिलरी ट्यूब वॉल की लाइनिंग होती है थिन लेयर ऑफ सॉलिड सपोर्ट, जिसमें कि लिक्विड फेस का एब्जॉर्प्शन होता है। सेपरेशन जो एफिशिएंसी होती है SCOT कॉलम्स की, वो ज़्यादा होती है WCOT कॉलम के मुकाबले, क्योंकि इंक्रीज सरफेस एरिया होता है स्टेशनरी फेस का कोटिंग का। फ्यूज सिलिका ओपन ट्यूबुलर कॉलम FSOT है, जिसमें कि हम देखते हैं कि फ्यूज सिलिका ट्यूब्स का स्ट्रेंथनिंग होती है पॉलीमाइड कोटिंग से, जिससे कि वो बाउंड हो सकते हैं कॉइल्स में। अब ये जो कॉलम का जो ओवन है उसमें हमें कॉलम का टेम्परेचर को निर्धारित करके रखना है, वो स्लाइटली बिलो होना चाहिए बॉइलिंग पॉइंट से, जो सॉल्यूट्स हैं उनसे, जैसे कि जो कॉम्प्लेक्स मिक्सचर्स हैं उनका जो ब्रॉड रेंज ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स है वो प्रोग्राम टेम्परेचर में रहेगा। अब उस चीज़ को डिटेक्ट करने के लिए कि आपका सेपरेशन हो गया है, किस तरह का हुआ है, उसके लिए हमें जनरेशन चाहिए इलेक्ट्रिकल सिग्नल की, जो कि प्रोपोर्शनल रहेंगे सॉल्यूट कॉन्सेंट्रेशन या मास फ्लो रेट में। तो आइडल फीचर्स क्या होंगे? हाई सेंसिटिविटी होगा, रैपिड रिस्पांस टाइम होगा, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेक्निक होगा, इजी टू यूज़ होगा।
ये यूनिवर्सल भी हो सकते हैं, सिलेक्टिव भी हो सकते हैं। अगर वो यूनिवर्सल हैं तो थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर है, TCD है, सिंपल इनएक्सपेंसिव और बहुत ही सेंसिटिव है। अगर हमें ज़्यादा सेंसिटिविटी या सिलेक्टिविटी चाहिए तब हम डिटेक्टर जो यूज़ करते हैं वो FID यूज़ करते हैं, फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर को हम यूज़ करेंगे, जो कि ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड के सेपरेशन के काम के लिए आएगा। उसके बाद में हम हाई सेंसिटिविटी वाइड डायनेमिक रेंज को भी अडॉप्ट करते हैं, या ECD इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात करें हम थर्मल कनेक्टिविटी डिटेक्टर की, तो एलिमेंट जो है वो इलेक्ट्रिकली हीटेड होता है एक कांस्टेंट पावर में। टेम्परेचर डिपेंड करता है थर्मल कंडक्टिविटी सराउंडिंग गैस की कैसी है, मेजर करेगा कंडक्टिविटी विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस। तो इस तरह से हम इसका डायग्राम देख सकते हैं थर्मल कंडक्टिविटी डिटेक्टर का मैकेनिज्म। ए डिटेक्टर क्या काम करेगा, ए डिटेक्टर सेल होती है उसमें एक हीटेड फिलामेंट होगा उसमें कि अप्लाइड किया जाता है करंट, और एक जो कैरियर जो गैस होती है इट कंटेन्स सॉल्यूट्स जो कि पास करेंगे सेल में, चेंज होगा फिलामेंट में जैसे ही आपका करंट फ्लो करेगा। जो करंट का जो चेंज होगा उसका अगर हम कंपैरिजन करें डिफरेंट सेल्स से तो सेंसिटिविटी इसकी 5 to 20 ng तक रहेगी। सेलेक्टिविटी इट इज़ फॉर ऑल कंपाउंड्स। फ्लेम आयनाइजेशन डिटेक्टर या FID फॉर शॉर्ट, इसमें कॉलम एफुलेंट जो है वो पास थ्रू करता है हाइड्रोजन एयर फ्लेम से, उसमें की प्रोडक्शन होगा आयन्स और इलेक्ट्रॉन्स का, चार्ज पार्टिकल्स का एक्सेलरेशन होगा वोल्टेज जब हम अप्लाई करेंगे। ये लेस सेंसिटिव है नॉन हाइड्रोकार्बन ग्रुप्स का, उसका एक स्कीमेटिक स्केच हम यहाँ पे देख सकते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा कि कंपाउंड जो कि बर्न होते हैं हाइड्रोजन एयर फ्लेम में, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड जो होते हैं प्रोड्यूस करते हैं आयन्स को, उनका अट्रैक्शन हो जाता है कलेक्टर में और नंबर ऑफ आयन्स जो हैं वो हिट करेंगे कलेक्टर में, उनको हम मेजर करेंगे, उस सिग्नल का एक जनरेशन होगा। ECD या इलेक्ट्रॉन कैप्चर डिटेक्टर, इसमें कैरियर गैस को हम पास करेंगे बीटा इमिटर में जिससे कि आयनाइजेशन होगा और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा, इसमें कि करंट का प्रोडक्शन होगा बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स। मैकेनिज्म क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स का सप्लाई रहेगी फ्रॉम 63 Ni फॉयल लाइनिंग द डिटेक्टर सेट, करंट का जनरेशन हो जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड जो हैं वो कैप्चर करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को रिजल्टिंग इन रिडक्शन इन द करंट। नाइट्रोजन फॉस्फरस डिटेक्टर, इसका मैकेनिज्म रहेगा कि कंपाउंड्स को हम बर्न करते हैं प्लाज्मा में सराउंडिंग मीडियम बीट सप्लाई विद हाइड्रोजन एंड एयर, नाइट्रोजन और फॉस्फरस कंटेनिंग कंपाउंड प्रोडक्शन करते हैं आयन्स का जिनका कि अट्रैक्शन होगा कलेक्टर में। एक रिकॉर्डर लगा के रखते हैं, रिकॉर्डर वो एक ऐसा डिवाइस है जिसमें कि हम क्रोमेटोग्राम जो है कि क्या रिजल्ट रहा, रिजल्ट्स फ्रॉम ए क्रोमेटोग्राफिक प्रोसेस ऑन टू अ चार्ट पेपर, भी आपने जो सेपरेशन किया उस चीज़ को हम कैसे एनालाइज करेंगे, इट इज़ थ्रू अ रिकॉर्डर। जो ये डिवाइस है उसमें फुल स्केल डिफ्लेक्शन होगा वोल्टेज का और टाइम स्केल भी रहेगा इसका। कुछ फॉर्मूलेज को हम अडॉप्ट करते हैं इस गैस क्रोमेटोग्राफी टेक्निक में, जैसे कि होता है रिटेंशन टाइम, क्योंकि डिफरेंस इन टाइम होता है बिटवीन द पॉइंट ऑफ इंजेक्शन एंड अपेयरेंस ऑफ पीक मैक्सिमम, इसको हम मिनट्स या सेकेंड्स में मेजर करते हैं। दूसरा होता है रिटेंशन वॉल्यूम या VR, इट इज़ द वॉल्यूम ऑफ कैरियर गैस विच इज़ रिक्वायर्ड टू इल्यूट 50% ऑफ कंपोनेंट्स। और रिटेंशन वॉल्यूम क्या होगा, रिटेंशन टाइम मल्टीप्लाइड बाय फ्लो रेट, या सेपरेशन फैक्टर होगा रेशियो ऑफ पार्टीशन कोफिशियंट ऑफ टू कंपोनेंट्स टू बी सेपरेट। इफ मोर डिफरेंस इन पार्टीशन कोफिशियंट टू कंपाउंड द पीक्स आर वेरी फार अपार्ट, इज मोर इफ द पार्टीशन कोफिशियंट ऑफ टू कंपाउंड्स आर सिमिलर देन द पीक्स आर ऑल्सो क्लोजर। अगर वो दोनों बहुत ही पास होंगे आपके पार्टीशन कोफिशियंट तो आपके पीक्स बहुत पास होंगे। रेजोल्यूशन होगा कि टू सेपरेशन जब हम उस चार्ट में डिपिक्ट करते हैं तो दो कॉन्जिक्यूटिव जो पीक्स बनेंगे उनका सेपरेशन हम मेजर करेंगे कॉलम और सॉल्वेंट एफिशिएंसी से, R = 2D/W1+W2। तो क्रोमेटोग्राफिक एनालिसिस में हम क्या करते हैं कि कितने कंपोनेंट्स हैं किसी भी आपके सैंपल में, जो आपका सैंपल है अमाउंट ऑफ ए गिवन कंपोनेंट जिसको हमने डिटरमाइन किया है एरिया अंडर द पीक्स, अब या फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि कितना हमें रिटेंशन टाइम लगा। इस टेक्निक के बहुत सारे पॉजिटिव फीचर्स हैं जैसे कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस पॉसिबल हो जाता है, बहुत ही सरल प्रकार का सिंपल प्रकार का एनालिसिस होता है, हाई सेंसिटिविटी होती है, 60% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का हम इससे सेपरेशन कर सकते हैं, हमें बहुत ही स्मॉल सैंपल से हम इसको इस टेक्निक को यूज़ कर सकते हैं। And thank you for listening to this.